कल का होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड रोड टू रसलमेनिया के लिए आखिरी स्टॉप होगा, जहां रोमन रेंज उनकी टीम और वाइसमैन पॉल हीमेन के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रोक लेसनर पर ब्रूटल अटैक करके उन्हें नुकसान करके उसे कमजोर किया जाए, जिससे लेसनर को हराना जो कि अभी के वक्त नामुमकिन से लगता है वो मुमकिन हो सके। और फाइनली कल के होने वाले स्मैकडाउन लाइव में ये इंट मिलेगा कि रसलमेनिया 38 में यूनिफाइड चैंपियन कौन बनने वाला है, और क्या ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस के बीच रसलमेनिया से पहले होने वाले इस आखिरी स्मैकडाउन के शो में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं हूँ आमिर बलोच और ऐसा दिख रहा है रेसलिंग 007। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने इस भाई को जवाब दूं जो मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट किया था कि आमिर भाई WWE फेक है या रियल। तो इसका जवाब है कि WWE के मीनिंग है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, मतलब ये एक एंटरटेनमेंट शो है और WWE 70% स्क्रिप्टेड होता है। और भाई लोग, रसलमेनिया के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे रसलमेनिया के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस की ये राइवलरी कुछ अलग ही लेवल तक पहुंचती जा रही है। और पिछले हफ्ते के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस ने ये बोल दिया कि वो ब्रोक लेसनर को हराने के लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि अब तक रोमन ने ब्रोक लेसनर को रसलमेनिया में नहीं हराया। और वही ब्रोक लेसनर ने भी रोमन रेंस को ये बोल दिया कि रसलमेनिया में वो रोमन और उनके टीम ब्लड लाइन को सुप्लेक्सिटी, बीस्ट ब्रॉडवे और F5 के शेयर कराएंगे, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन रेंस के खूनी अटैक से ब्रोक लेसनर की पूरी तरह अट गई है। जहां हमने 2 बार देखा है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद से हर एक बार रोमन रेंस को दुम दबा कर ब्रोक लेसनर से बचकर भागना पड़ा। और पिछले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में हमें लेसनर और रेंस के बीच एक भी एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कल का होने वाला स्मैकडाउन लाइव रसलमेनिया से पहले WWE का आखिरी शो होगा, जहां रोमन उनके टीम और वाइसमैन पॉल हीमेन के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे लेसनर पर ब्रूटल अटैक करके उन्हें नुकसान करके उसे कमजोर किया जाए, जिससे लेसनर को हराना जो कि अभी के वक्त नामुमकिन से लगता है वो मुमकिन हो सके। तो इसीलिए आने वाला स्मैकडाउन लाइव काफ़ी ख़ास होगा, क्योंकि इस स्मैकडाउन में हमें ये हिंट मिलने वाला है कि रसलमेनिया में कौन यूनिफाइड चैंपियन बनने वाला है, बीस्ट ब्रोक लेसनर या ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और आप किसको सपोर्ट करोगे हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।